बोलिए सतगुरुदेव की जय। काल बाद तह लागत नहीं। अब थोड़ा आप ध्यान से सुने बात, वायु को कहते हैं। बोला काल की हवा उसे नहीं लगती है, काम क्रोध बद लोभ न ताही। इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, क्या नामदान के बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनकी ताकत क्षीण होती है? साहब ये कह रहे, जाके घट सतनाम समाना, ताकर कहूं सुनो सहदाना। जिसके पास नाम आता है उसकी पहचान न। काल बात तह लागत नहीं, काम क्रोध मद लोभ न ताई। हाँ, कह रहे उस पर काल की हवा नहीं चलती लगती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्षीण हो जाते हैं। आप थोड़ा सा आप देखना, नाम के बाद अगर आप चेक करेंगे तो ये चीजें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार है। जब ये बाण लगते हैं आदमी बेसुध हो जाता है। और ये बाण बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी परास्त किया है, लेकिन आप देखना आप होश नहीं भूल रहे हैं, आप बेसुध नहीं हो रहे। अगर आपको किसी कारण से, कुछ कारण होगा, क्रोध बढ़े मूर्ख संघ के लिए, लेकिन आप अपना आपा नहीं खो रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो बाण आपके पास आया, आप में काम भी आया, ये तो जब तक आया है रहते हैं, लेकिन प्रभावहीन है। जैसे कवच पहनने के बाद शस्त्र भेदन नहीं कर पाते, इस तरह ये और यही पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। आप चेक करो, लोभ होगा पर आप हैं, शरीर में लोभ है, लेकिन अब आप पाप नहीं कर रहे, किसी का धन नहीं ले रहे। अब ये सब चीजें आपके नियंत्रण में हैं, आप इस चीज को हल्का क्यों मान रहे हैं? आप इसको हल्का न माने ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्रोध में तो कपिल मुनि इतने बड़े तपस्वी थे, राजा सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जरूर आप में मोह है, लेकिन ये इतने हीन है, इतने कमजोर है, आपकी आत्मा अब चेतन है। भाइयों सबसे बड़ी बात ये नाम की है। मैं मानता हूं कब गफलत होती है, जब थोड़ा बहुत आप बेसुध होते हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं, रोप रहो तुम ढाल, काल खड़क व्यापित नहीं। ढाल है तुम्हारे हाथ ना, बस ढाल दो, सूरत संभाले काज है। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मन सा लहर बह कतौ ना जाए। आप जी रहे हैं, आप अपने अच्छे साक्षी हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें प्रभावहीन है। पहले जब आते थे आपको एक उन्माद में डुबा देते थे, आप अपना आपा भूल जाते थे। आप देखो ना, दुनिया के लोग जब क्रोध में आते हैं अपने आपे को भूल जाते हैं, लेकिन आप आपा नहीं खोल रहे। क्यों? आपकी आत्मा अभी स्टैंड हो गई है। कभी कभी कारणवश आप में ये चीजें आती हैं, पर आप उन पर नियंत्रण कर रहे हैं। अब साहब एक बात बोल रहे हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये नक्सिक भरा विकार इस पूरे शरीर में जो भी मटेरियल है पूरा विकारों को उत्पन्न करने वाला, ये पूरा मन है। रवि तो साहब एक सटीक शब्द में कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। लेकिन पहले इन सब में आप मिक्स थे मेरे भाई, अब आप इनसे ऊपर है। अब इनका जब हमला आता है तो आप इसको समझ पाते हैं, यही ज्ञान। पांप बाण जब काम है मारो, शिव की सुधतम गुरु डाली। ये इतना बारीक बाण है कि इसको बड़े बड़े तपस्वी नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपको समझ में आती है ये सब चीजें। आप होश नहीं खो रहे। होश होने का मतलब है आपकी जो इंडिविजुअलिटी है कायम है, वो ऐसा रहता है आपकी सुरति कायम है। लोभ भी आया आप पूरी फाइटिंग कर रहे, यही तो ज्ञान है। आप ठगी करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन ठग को सोचने की ताकत नहीं है। आप में विवेक आ गया, आप में विचार आ गया, आप में ज्ञान आ गया। तो ये साहब क्या करें, मोह तृष्णा दुर आश निवारे। अब आपका जगत के पदार्थों के प्रति एक जो आसक्ति होती है वो भी खत्म है। अंदर से एक दृढ़ भाव बन गया है कि सतलोक जाना है, छोड़े दुनिया लूटी है। इसलिए सुषुम्भेद हृदय में खुल जाता है। सुषुम्भेद के खुलने के साथ आपको अंदर से पूरे पूरे सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, स्मार्टफोन को ऑपरेट कर रहे हैं, एरर आता है, स्क्रीन पर फौरन आ जाता है। इस तरह आपके सामने जहां भी गलती करने जाएंगे वहां एरर देखिएगा कि ये नहीं। ये सब इस शरीर में रहकर भी आपके अधीन हो जाए। तभी तो साहब करें काल निरंजन सभी न चाहिए, सबको नचा रहा है। काल निरंजन सभी नचाई, नाम होए ते मात नवाई। बस आपको क्या करना है, आप सूरत संभाले रहना। सूरत में आनंद है, सूरत आत्मा है, सूरत में साहेब है। तू साहेब वाणी में कह रहे सूरत संभाले कहा जाए। थूना भरम भुलाए मन सयार, सयार समुद्र को कहते हैं, मनसा लहर बह कतो न जाए। आप मन की लहरों में बहना नहीं। दूसरी बात, अगर कहीं आप भटकते हो तो वो ताकत फिर आपको पटरी पर लाती है। इस पर साहब ने सटीक शब्द कहा, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार का एक धक्क धरार। पर आप गलती नहीं करना है, अब आपको गलती लागू नहीं है। बस हमेशा ये सूरत बांध स्थिर करो हमेशा। ये दुनिया में मन भटकाता है, मन की ये कोशिश है, आपको ये डिस्टर्ब करेगा। मन जानता है जब ये आत्म तत्व की अनुभूति करेगा बहुत लोगों को उधर खींचेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा चौकीदार है हमेशा। रोप रहो तुम ढाल, काल खड़क व्यापक नहीं। अब यहां साहब क्या करें, पल पल सूरत संभाल। ये सुरति पल पल संभालना, हर पल संभालना। मोह तृष्णा दुर आश निवारे, सदगुरु वचन सदा चित्त धारे। वाह, मोह दुरा इच्छाएं
वासनाएं ये नियंत्रित होती जाएगी। आप खुद देखें ना, नाम बिना मूरख सो कही, नाम बिना सभ्य सो हिना, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच मकाना। जब आप अपने इर्द गिर्द दुनिया के लोगों को देखते हैं तो आपको जरूर लगता होगा कि ये ऐसे पागल की तरह है, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नानक देव जी ने तो जटिल शब्द कह दिया, बिना नाम विष्टे का कीड़ा, ये एक आंख मिल जाती है अंदर की, जिससे अपने अंदर के रिप शत्रु जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो ठीक ठीक से समझ में आती है। अब आगे साहब कह रहे हैं, जस भुवंग सांप को कहते हैं, भुजंग भी कहते हैं, मणि है जुगावे, सांप मणि से बहुत प्यार करता है। जब ओस चाटने जाता है तो मणि बाहर निकालता है, ओस चाटता है पर सुरत मणि पर रखता है, कभी चाटे कभी मणि है निरखे, मणि तज प्राण गवाए, ये सुरत आपकी मणि है, बस इस पर हमेशा ध्यान रखना। ध्यान कैसे रखना, पल पल सुत नार सब बिसराय विषया, हंस हो सत सतपथ चले, यानी आप बच्चों में भी मोह नहीं रखना, अपना कर्तव्य तो करो पूरा। अगर आपकी लगन उधर लगी, बस कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, आप इसको कहाँ लगाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, मने के। लेकिन अगर दुनिया में लगाया आप दुनिया के हो जाएंगे, ये पूरी दुनिया आपकी सूरत में है, ये पूरा संसार आपकी सुरती में है, इसलिए सुरती से संसार निकाल, एकाग्र हो जा, बस आनंद ही आनंद है। साहब के शब्दों में तुकबंदी नहीं है, सुरत में रचो संसार। सुरत का है खेल सारा, स्थूल में भी तो देखना सुरत का पूरा करिश्मा है। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरे काम हो रहे हैं, अगर सूरत चली गई तो पूरा मामला ही गोल हो जाए। सुतनार विसराय विषया, हंस हो सत पर चले ले, गुरु वचन अटल अमान धर्मन। अब आप विचार करें, मैंने एक शोध करता रहता हूं, मैंने कई लोगों से ये बात पूछी, मेरा ये एक शोध है और बड़ा लाइव प्रैक्टिकल शोध है। लोगों से पूछता हूं, भैया नाम के बाद आप कैसे हो गए, बोला बदल गए। अच्छा, ये बदलाव बड़ा यूनिक है। लोगों से पूछता रहता हूं, आप में ज्ञान परिपूर्ण हो गया, अब कैसे पर के? ज्ञान का गुण है सार को करना, असार को छोड़ना। अभी आप फिजूल चीजें ही नहीं कर रहे। अगर आप कहीं कुछ ऐसी त्रुटि कर लेते हैं, उसी पल सोचने लगते हैं कि ये क्या कर दिया, आप बदल जाएं, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दो हैं। पहले मन आप में मिश्रित था, आपको समझ में नहीं आ रहा, अब एक बात ये हो गई कि मन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। आपको अब मन समझ में आ रहा है, मन की हरकत समझ में आ रही है, मन को कोई देख ना पाए, ये नाना नश नश है।
पर आपको मन अभी दिख रहा है, आप मन पर नियंत्रण कर रहे हैं, तभी तो आप इन सात नियमों का पालन कर रहे हैं ना। दुनिया के लोगों का मन जहां चाहता है उनको वहीं ले जाता है, आपको नहीं ले जा पा रहा है। आपको यूं लग रहा है मन अलग है, मैं अलग हूं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वि न समाये कबीरा, तामे द्वि न समाये। आशुतोष जी, बस जिस दिन नाम दिया ना साहब ने, आपके पास सभी चीजें दे रखी, आप बस उसे संभालना। तो साहब कह रहे हैं गुरुवचन अटल अटल अमान धर्मन। और आप, मैंने कई बार एक बात बोली है, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी आस्था आपकी दृढ़ता उधार की नहीं है। जीवन के कई पहलुओं में आपने अनुभव किया होगा वो ताकत आपके साथ है, बड़े सूक्ष्म रूप से आपके साथ में है। दुनिया के लोग ऐसे जैसे अंगारे पर बैठे हुए हैं, आपको एक शांति भी है, बस दुनिया में सूरत नहीं फंसाना। साहब का शब्द, मैंने पूछा लोगों से कि जिनको लगता है ये ताकत मेरे साथ काम करती है हाथ खड़ा करो, तो लोगों ने हाथ खड़ा किया। महेंद्र लाल जी, साहेब बंदगी, जब आप ये अनुभव किए कि आपके पास एक ताकत रहती है, तो एक छींटा आप तक पहुंचा, तो भैया हम खाली डब्बा बजा रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ तो बात है ना, कुछ ना कुछ तो बात है ना। अपने दिल से जानिए भाई, नीलम जी साहेब बंदगी वाराणसी से, अपने दिल से जानिए अपने दिल की बात। अब यहां साहब एक पुष्टि कर रहे हैं, अलख पुरुष आरसी संतन के हृदय, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। वाह वाह वाह, साहब ने वाणी में कहा संत है मेरी आत्मा, मैं संतों के प्राण, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों के प्राण, मैं संतों में रम रहा जस गोरस में घ्राण, जस गोरस में की। वाह, दूध में घी नहीं दिखता है लेकिन देखने वाले को नजर आ जाता है। आपको मैं बताता हूं, दूध में घी दिखता है पर देखने वाली नजर। एक पात्र में आप घी रखना, हिलाना डुलाना नहीं, घी के चारों तरफ जो बर्तन के कोने हैं उस तरफ देखना, आपको एक अलग कलर दिखेगा, यह है घी। घी की पारख हमारे बुजुर्ग लोग बड़ी अच्छी करते थे, कई इसके सिस्टम है, कुछ नाखून पर रखते हैं, अगर यूं गिराया एकदम वो बह गया तो समझना पानी मिला है, अगर नहीं ऐसे जल्दी गिरा तो दूध पीवर है। और जीभ के तलवे पर लगा करके भी लोग घी लेना जी साहेबंदगी की पारख करते हैं। तो आप देखें साहेब वाणी में कह रहे हैं संत है मेरी आत्मा, मैं संतों के मुंह से खाता हूं, संतों के मुंह से बोलता हूं, संतों के पैरों से चलता हूं, संतों की आंखों से देखता हूं। अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले कबीरा, इन्हीं में लख ले। तो ये सब चीजें आपके साथ हैं प्रैक्टिकल में, आपका भरोसा उधार का थोड़ी। कई जीवन के मौकों में उन ताकतों ने आपको कुछ अनुभूतियां दी है,
वो अनुभूति आपके पास आई है। गुरुपद कीजिए नेह कर्म भर्म जंजाल तज निज तन जाने की है। वाह, खे मिट्टी को करते हैं। गुरुमुख शब्द विश्वास हो, जब शिष्य हृदय मुकुर मलताई गुरु स्वरूप तभी दर्शाई। जब शिष्य निज ही गुरुपद राखे मेटे सभी काल की साखी। बस आप देखे ना, गुरु के ध्यान को इतना बड़ा महत्व क्यों दिया? उनके ध्यान मात्र से आपके अंदर रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। तभी तो कह रहे हैं गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इसलिए सुरत मान स्थिर करो, गुरु में दे समाय। कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखाए, गुरु श्रुति सुरधेन समान। गुरु श्रुति गोपालदास डोगरा जी थी, साहब बन गए। गुरु श्रुति सुरध्वेन समाना, जब शिष्य निज ही गुरुपद राखे, जब अपना पूरा ध्यान गुरु के चरणों में, मेटे सकल काल की शाखे। भैया ऐसा था, एक बच्चा था, अपनी माँ को करता था बड़ा परेशान। क्या कहता था? मम्मी आज मुझे खोआ खाना है। कभी कहता था मम्मी बच्चों के लिए प्यार इतना ज़रूरी है, खुराक तो ज़रूरी है ही है, बहुत प्यार बड़ा ज़रूरी है। जैसे पेड़ों के लिए आप सिंचाई करो ठीक है, लेकिन बरसात के पानी का महत्व अलग है। पता है क्या वजह है? पानी तो वो भी है, जो वृष्टि का पानी है ना वो पेड़ों और पौधों के लिए अचूक है। वजह है, जब वृष्टि हो रही है तो एटमॉस्फेयर भी उसके माकूल हो जाता है। इसलिए जो अकलमंद लोग हैं पानी को सींचते, फसल को कब सींचते हैं? साग सब्जियों को भी, या तो सुबह या तो शाम, दोपहर को नहीं। वो बच्चा कभी कभी माँ को कहता था माँ आज क्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, रबड़ी खानी है। माँ बच्चे से बड़ा प्यार करती है, बच्चे के लिए माँ का प्यार बड़ा जरूरी है। और इसलिए डॉक्टर लोग कह रहे हैं 5 साल तक बच्चे को माँ का प्यार और दुलार मिलना, उसके 5 साल बाद दूसरी संतान हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये अजय मेरा भतीजा है, छोटे भाई का बेटा है। इसको जो मृदुल बेटा हुआ सब उससे प्यार करते थे। जब मृदुल 3 साल का हुआ तो एक बेटा इनके पास और आ गया। अब मां का ध्यान छोटे की तरफ गया। अब वो छोटा 1 साल का है, मृदुल 4 साल का है। तो मां छोटे को गोद में बिठाकर सुबह खीर और ओट्स खिलाती है, तो मृदुल जिद करता है नहीं तुम्हारी गोद में मैं बैठ के खाऊंगा। वो अपने को ठगा सा महसूस करता है।
वो अपने को ठगा सा महसूस करता है। अब जब वो बड़े वाला बैठता है तो छोटा विरोध करता है, बोल नहीं पाता, मैं बैठना है इधर। अब लाजमी है कि माँ का कंसंट्रेशन छोटे की तरफ ज्यादा होगा, वो अपने को हीन भावना फील करता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो खुद समझेगा अभी वो छोटा है। इसलिए बच्चे को माँ का प्यार, बाप का प्यार जरूरी है। इसी तरह गुरु की सुरती की बड़ी जरूरत है। गोस्वामी जी तो यहां तक कह रहे हैं, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला मिठी मलिन मन कल्पत सुला। आपके भाव से भाव का भूखा हूं मैं, दौलत नहीं हूं चाहता। इस तरह आप एक चीज का ध्यान रखना, ये कबीर मन तो एक है भावे जहां लगा, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाए। आपका ध्यान अगर दुनिया के अंदर ज्यादा रमा है तो आपको पूरी दुनिया ही दिखेगी। अगर आपका ध्यान गुरु चरण में है तो पूरी दुनिया होते हुए भी अलग रहेंगे आप। तभी तो साहब कह रहे हैं गुरु सुरती सुर धेनु समान, सुरत बांध स्थिर करो गुरु में दे समाए, कहे कबीर धनदास से अगम पंथ लखाए। साहब कह रहे सूरत बांध स्थिर करो गुरु में दे समाए, कहे कबीर धनदास से तो अगम पंथ लखाए। जो लग सात पांच की आशा तो लग गुरु ने निरखेद आशा। जब तक ये पांच तत्व पच्चीस प्रकृतियां तीन गुण काम क्रोध लोक मोह में है तो उसकी सूरत वहीं तो उलझे। साहब के शब्द कितने सटीक है, कबीर मन तो एक है, आशीष कुमार जी इतना लंबा नहीं लिखो ना तो फिर मैं उसको पढ़ने में लग जाऊंगा। राजकुमार सिंह पठानिया जी इतना लंबा लिखोगे तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, स्क्रीन पर जल्दी जंपिंग होती है। अगर बहुत जरूरी बात हो तो आप फोन करना, मैं फोन नहीं उठाऊं, अजय को कहना वो आपको मुझसे पैच करेगा, मैं फिर आपसे बात कर लूंगा। एक चित शिष्य गुरु पद लागे, छूटे मोह ज्ञान तब जागे। मोह छूट जाएगा, आपके अंदर ज्ञान का उद्गम होगा। बंद हो कृपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। दीप ज्ञान हृदय जब आए मोह भर्म सब तबे नशाए। इसलिए गुरु सुरति सुरधेनु समाना, गुरु की सुरति से हृदय प्रकाशित होता है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है तो अंदर विचरण करने वाले मत्सर ठीक ठीक नजर आएंगे आपको, नहीं तो ये नजर नहीं आते। उलट आए और सूरत का एक आनंद है, सूरत स्थिर हुई ना तो फिर उसका कहना ही क्या है। धर्मन यह गुरुपद प्रतापा गुरुपद गहे तजे भ्रमतापा। ये गुरु शरण का एक प्रताप है साहब कह रहे हैं, इसलिए जितना भी भ्रम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन नास्तिक लोग इसको समझेंगे ही नहीं। यहां तो साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, मूर्ख से क्या बोलिए शट से कहां बसा है। पाहन में क्या मारिए चोखा तीर नशा। धर्मन यह गुरुपद गुरुपद प्रतापा गुरुपद गहे तजे भ्रमदापा। शब्दाप खत्म हो जाते हैं। यही गए सब दुख नशाई,
बिन गुरु ध्यान शिष्य निराश हो जाए। तजे जात तजे और मोहन आए, थोड़ा सा तो आप विचारो, ये जात पात का हथौड़ा इंसानियत के लिए कितना हानिकारक है। हम सब किसी की योग्यता को, उसके परिश्रम को, उसकी बुद्धिमता को जात के कारण से मिट्टी में डाल देते हैं। कुल की दशा जानकर खोए, वाह, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब हुए। ये जितने भी रस्म और रिवाज बने हैं निरंजन के, निश्चय अंश वंश से हुए, यही विश्वास धर्मन राखो, बिन विश्वास वचन नहीं भागो। बिन विश्वास जीव ना तरे, बिना विश्वास के जीव नहीं तरे। गुर प्रतीत बिन नर कह पड़े, गुर सम और न दानी भाई, गुर शरण चित राख समाई। दुनिया धन से बहुत प्यार करती है, धन की प्रासंगिकता क्या है? इंद्रियों का आनंद। अनिल ठाकुर जी शॉर्ट में, इंद्रियों का आनंद ही तो है ना, वाह, रूखा सूखा साग अलूना और प्रेम से पावे दूना। अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाया, वाह, कह रहे हैं पूरी ये गंदी आदतें छुड़ा कर आपको निर्मल बनाता है। काग पलट हंसा कर देना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। दुष्ट मित्र चिन्हाय के पहुंचा वही निष्ठा। आप देखें, नाम से पहले आपको ये कोई शत्रु समझ में ही नहीं आ रहे थे। अनाज लूट हो तो घट भीतर, घट का मरम न जाना, ये घट के अंदर पूरा पूरा अपना धमाल कर रहे थे। गुरु पुरुष नहीं आन निश्चय के जो मान ही, कह रहे हैं जिसका ये निश्चय है गुरु और परमात्मा एक है, तो गुरु की मूर्त से ही परमात्मा बाहर आता है। ताहे मिले सहदान मिटे काल कलिश सब। साहब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, सरगुण भाव देख धर्मदासा, कसद्र गए प्रतीत विश्वासा। बोला सरगुण भक्ति करने वालों का विश्वास तो देखो, कर्मी जीव देख विचारी कस दृढ़ गए प्रति संभारी। कह रहे हैं वो कैसे भरोसा कर रहे हैं, आप ही ले आवे नर माटी, वो खुद ही मिट्टी लाता है। वाह, करता कह मूर्त गढ़ ठाठी, वो खुद ही मूर्त बना रहा है। आप देख भी रहे ना, मूर्तिकार मूर्ति बना रहे। ता पर अछत पहप चढ़ावे, प्रेम प्रति ध्यान मन लावे। उसी मूर्ति में इतनी आस्था रख रहा है वो, तो गुरु तो चैतन्य है। करता कर था भी बनता है, भंग प्रतीत हो नहीं जाए। वो अपना भरोसा वहां स्थिर कर रहा, रख रहा है भरोसा वहां पर। उन जीवन का प्रेम बखाने कैसे दृढ़ हो दोख लिपटाने, वो कितनी दृढ़ता से उस दोखे में भी अपना विश्वास किए हुए। गुरु नाम में आप कहाया, गुरु पुरुष नहीं भिन्न बताया। साहब कह रहे हैं गुरु रूप में खुद हूं, गुरु और परमात्मा भिन्न नहीं। अस जीव काल बसे हुए रही, दृढ़ प्रतीत कह गुरु नहीं गई। इसलिए पूर्ण आस्था से,
पूर्ण विश्वास के साथ पकड़ है। जो निश्चय है गुरु प्रण धारी धारी मुक्ति होए तारे नहीं तारे, कह रहे हैं जो निश्चय कर लेता है गुरु में ईश्वर का पूरा, उसके मोक्ष को कोई टाल नहीं सकता। प्रेम जान अमृत गुरुग्रह अचवत होत खान दुर्मत रही। धर्मदास ये देख विचारी गुरु प्रति दृढ़ गहोस हमारी, इसलिए साहब धर्मदास को कह रहे हैं, हे धर्मदास विचार करके देखना गुरु का भरोसा पूरा पूरा रख अपने अंदर। अस के प्रति दृढ़ा गुरुपद नेह स्थिर लावई, बोला इस प्रकार जो स्थिर होकर के गुरु का पूरा ध्यान कर रहा है उसमें अपना स्नेह नेह जोड़ रहा है। गुरु ज्ञान दीप बार निज और मोह तिमण नशा वही, कह रहे हैं उसके हृदय का तमाम मोह और तिमण नाश हो जाता है। शास्त्रों में भी देखो तमाम गुरु की इतनी अनंत महिमा कही हुई है। मधु अग्रवाल जी इतने लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं, बस साहेबंदी लिख दिया करो। गुरुपद प्राग प्रताप थे अगपुंज निश्चय जावई, हाँ अग पापों को कहते पुंज निश्चय जाते हैं। और मध्य युक्ति नहीं तरन की विश्वास सब समावई, बोला हे धर्मदास और कोई युक्ति नहीं है भव सागर से तरने की, विश्वास रखे। यह भव अगम अथा नाम प्रेम दृढ़ कर गए ले कृपा गुरु था गुरु गिरा कटिहार में। इसलिए दर्शन लाल जी साहेब मंदिर इस तरह से साहब ने आज के प्रवचन का सार था, गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस दूजा नहीं जप योग तप प्रतिदान पूजा तृण सदृश ये जप कही। मेरे साथ अभी समय हो रहा है, मेरे साथ प्रेम से जय पुकारेंगे, साहेब की कृपा हुई कल पुनः मैं आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।